तो एक और कैप्टन अमरिंदर सिंह राहुल गांधी से मिले हैं, सिद्धू को लेकर चर्चा चल रही है और ये भी दावा किया जा रहा है आज या कल में नवजोत सिंह सिद्धू शामिल हो सकते हैं। तो वहीं इसी बीच सीएसी की भी बैठक चल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता पंकज कपाही दिल्ली से जुड़ चुके हैं। पंकज, तो इस वक्त सीएसी की बैठक चल रही है, आखिर कितना और वक्त लग सकता है उम्मीदवारों के लिस्ट फाइनल होने में? बिल्कुल इंदर, इस समय जो फाइनल चर्चा 40 उम्मीदवारों को लेकर चल रही है कि 40 उम्मीदवार कांग्रेस के कौन होंगे पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर, इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह और राहुल गांधी जो है वो मुलाकात कर चुके हैं। राहुल गांधी पंजाब की पूरी लीडरशिप, जो सीनियर लीडरशिप है, उनके साथ थोड़ी देर पहले मुलाकात की थी। और इस समय बात की जाए तो इस समय तकरीबन 15 मिनट पहले जो है सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक शुरू हुई है, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इसमें सीएसी के सभी मेंबर मौजूद हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह, हरीश चौधरी और आशा कुमारी इस मीटिंग में मौजूद हैं। और जानकारी ये मिल रही है कि 25 से 30 सीटों पे आपसी सहमति जरूर बन गई है, लेकिन 10 ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर सहमति नहीं बन पा रही। और यही वजह है कि राहुल गांधी ने जो है अलग से सीसी बैठक शुरू होने से पहले बातचीत की और साफ तौर पर उसमें किस तरह से कांग्रेस जो है आपसी तालमेल बनाए, आपसी सहमति बन पाए, क्योंकि एक जो धड़ा है कांग्रेस का वो लगातार ये बात कह रहा है कि बाहर से आए दूसरे उम्मीदवार जो है उनको टिकट नहीं दी जानी चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ एक ग्रुप ऐसा है जो लगातार ये कह रहा है कि विनिंग कैंडिडेट को जो है कांग्रेस टिकट देगी और इसमें चाहे वो दूसरी पार्टियों से आया हो। तो ऐसे में कुछ ऐसी सीटें जरूर हैं जिसको लेकर कांग्रेस में आपसी मतभेद जरूर बना हुआ है, लेकिन आज देर रात तक या फिर कल तक जो है कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। जी पंकज, अभी 40 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका नाम अभी घोषित नहीं किया गया है, जहां से नाम घोषित नहीं किए गए हैं उम्मीदवारों के, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब जो लिस्ट आएगी वो फाइनल लिस्ट होगी? देखिए, अगर सीसी की बैठक में वो 10 नाम फाइनल नहीं हो पाते जिस पर आपसी सहमति नहीं बन पा रही, तो वो कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के ऊपर छोड़ दिए जाएंगे। वो फैसला लेंगी कि किसको टिकट देनी है। और इस ऐसे में ये हो सकता है कि कांग्रेस 25 से 30 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करे और बाकी जो नाम 10 नाम जो हैं वो बच जाएंगे उसकी चौथी लिस्ट में जारी करे, तो सीसी की बैठक के बाद ही साफ हो पाएगा। जी बिल्कुल पंकज, आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपके पास लौट कर आएंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए शुक्रिया, क्योंकि सीईसी की बैठक चल रही है, एक अहम बैठक है कांग्रेस के लिए, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे नाम हैं जहां पर अभी पेच फंसा हुआ है, तो अभी मंथन लगातार जारी हो रहा है, तो उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही जो है ये लिस्ट भी फाइनल हो जाएगी और नाम भी घोषित कर दिए जाएंगे।